नमस्कार मित्रों, वेलकम। आज हम बात करेंगे दिल्ली रायट्स 2020, द अनटोल्ड स्टोरी, दिल्ली दंगे 2020, अनकही कहानी। ये पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है तीन महिलाओं ने, जिनका नाम है मोनिका अरोरा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। अब मोनिका जी एक सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, सोनाली जी और प्रेरणा जी दोनों पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तीनों महिलाएं सीनियर हैं, मैच्योर्ड हैं एंड काफ़ी समय से दे बीन वर्किंग ऑन द मीनिंगफुल सब्जेक्ट्स। तीनों महिलाओं ने ये जो स्टोरी या कहानी लिखी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तीनों ने ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करा, लोगों से मिले, एविडेंसेस इकट्ठे करे, लोगों को सुना, बातें करी, ऑब्जर्व किया एंड कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी जमा करें, और वो सारा मिला के ये पुस्तक लिखी। अब लिखने का जो तात्पर्य है, लिखने की जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, वो इसलिए है कि जो भी घटना हुई कुछ हद तक गलत हुई, और गलत होने के बावजूद एक साइड जो इस घटना के पक्ष में, उन्होंने भी किताब लिखी एंड दे वॉन्ट पीपल टू रीड दैट, सो इट इज़ वन साइडेड। तो जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा साइड है, उसकी कोई कहीं लिखावट या कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सो दैट इज़ वेयर दे हैव रिटन दिस। अब ये बुक जो लिखी, तो लिखने पे आपत्ति है लोगों को, इस बुक के जो पब्लिशर थे है नहीं थे, उन्होंने काम हाथ में लिया, लास्ट मोमेंट तक काम कर रहे थे, फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और कोई फॉर्मल विड्रॉवल का कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई राइटिंग में, लिखित में कोई नहीं कि भाई हम ये काम नहीं कर रहे हैं। और इन तीन महिलाओं को जिन्होंने बुक लिखी है, पर बाहर उन्होंने शायद ढिंढोरा पीट दिया कि भाई हम काम नहीं कर रहे हैं। अब जब उनसे पूछा गया तो फिर थोड़े रगड़ के बाहर दिया कि भाई हमको हमारी जो ओवरसीज़ की ऑफिस है उसने मना करा कि भाई नहीं करो काम। उस ओवरसीज़ ऑफिस को भी कहीं पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमको एक्सटर्नल प्रेशर आया, दबाव आया हम पे कि भाई ये काम नहीं करना है। तो इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस इतने समय से काम कर रहे हैं और इनको कहीं एक्सटर्नल प्रेशर आता है कहीं से, तो झुक गए, इन्होंने विड्रॉ कर लिया। चलो कर लिया तो कर लिया, जगह सही हो गई है। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर डाल रहे थे, वो भी घड़ी भर के लिए थोड़ा सा खुश हो गए कि वाह हमारा प्रेशर काम आ गया। बट इमीडिएटली दूसरे एक पब्लिशिंग हाउस है, गरुड़ा प्रकाशन करके, जो लगभग लगभग ऐसी पुस्तकें पब्लिश करते हैं, उन्होंने इस काम को हाथ में ले लिया। ठीक है, और उन्होंने ऐसा काम करा है, सो दे डोंट गिव अ डैम टू एनी प्रेशर। ठीक है, अब हुआ ये कि ये पब्लिशिंग हाउस ने काम हाथ में ले लिया है,
उनको प्री ऑर्डर्स आने लगे, मतलब बुक अभी छपी नहीं, आई नहीं, पर उसके पहले ही बुकिंग हो रही है और काफ़ी अच्छी मात्रा में, संख्या में इसकी बुकिंग हो रही है। ठीक है, दो बातें हैं अभी इसमें। एक कि एक पीडीएफ भी सर्कुलेट हो रहा है आजकल। अच्छा, उस पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, तो कहीं से ये निकली है पीडीएफ। पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप उस पीडीएफ को काइंड ऑफ ना पढ़ें, पढ़ें तो भी ठीक है, आई मीन डोंट टेक दैट पीडीएफ टू काइंड ऑफ सीरियसली, बिकॉज मेरा ये मानना है, ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पास आई है, दो दो जगह से अलग अलग आई है, बट मैंने नहीं पढ़ा उसको। हो सकता है पीडीएफ के साथ किसी ने छेड़खानी करी हो, जैसे इतिहास की बुक्स के साथ छेड़खानी करी थी पिछले 70 सालों में। कुछ करेक्शंस होने हो रहे हैं, कुछ और करेक्शंस होने, तो ठीक उसी तरीके से इस वाली पीडीएफ में भी पॉसिबल है कि कुछ छेड़खानी हुई हो। तो जनता से आग्रह ये है कि पीडीएफ के बजाय आप उस बुक का प्री ऑर्डर बुक करें, बुक को छपने दें, बुक को आपके यहाँ डिलीवर होने दें, उसके बाद आप पढ़ें। सो दैट गिव यू एन ऑथेंटिक राइटिंग, ऑथेंटिक मटीरियल टू रीड, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स से आया, राइट? पीडीएफ तो कहीं से भी आया। तो ये है, और पढ़ें और उसका फिर निष्कर्ष करें, क्योंकि जब ये रायट्स हुए तो जो फर्जी वाले जो मीडिया हाउसेज हैं, जो हमेशा हावी रहते हैं, जो लाउड स्पीकर के तरह बजते रहते हैं, तो दोज टाइम्स ऑल्सो यू वुड हैव हर्ड देम, यू वुड हैव रेड अबाउट देम थ्रू देम। बट ये एक चीज़ है, जो ये एक जो लिखावट है, विच यू शुड रीड। और ये एक सिंपल काइंड ऑफ राइट्स नहीं है, ऐसा इस बुक में मोनिका जी बता रही हैं। देर इज मच मोर डीपर लेवल ऑफ थिंग्स जिसकी प्रिपरेशन हुई है, हो रही है, काम हुआ है। अवश्य बुक करें, अवश्य पढ़ें। एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैं इस बुक को प्रमोट या मार्केट नहीं कर रहा हूं, मैं ना इस पब्लिशिंग हाउस को रिप्रेजेंट काइंड ऑफ कर रहा हूं या कुछ सपोर्ट कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मैं ना मोनिका जी को या सोनाली जी को या प्रेरणा जी को काइंड ऑफ प्रमोट कर रहा हूं या मार्केट कर रहा हूं, पर मुझे एक भारतीय होने के नाते ऐसा लगा, तो मैंने ये वीडियो बनाया। अब किसी को अगर बुरा लगता है तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर किसी को सही लगता है, ये बात सही लग रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट के इस वीडियो को आप शेयर करें और उस बुक को आप ऑर्डर करें। मैं गरुड़ा पब्लिशिंग की जो वेबसाइट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। एंड टेक दिस फॉरवर्ड, ठीक है? ये आप ही के अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी है, नॉट दिस बुक। ये बुक तो एक छोटी सी कड़ी है, बट इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सही वाली लिखावट है, जो सही वाली बातें हैं, उसको आपने सुनना चाहिए, उसको आपने पढ़ना चाहिए, उस पर आपने चिंतन मनन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ, और मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी और विषय के ऊपर बात करेंगे।
ठीक है, तब तक। और ये बुक, हाँ एक चीज़ और, ये बुक महंगी नहीं है, आई थिंक 200 रुपये की है, डिस्काउंट भी है, 200 रुपये इज़ अफोर्डेबल, ठीक है। तो बुक करें ऑनलाइन एंड वेट फॉर योर कॉपी टू कम, उसको रीड करें, ठीक है। चल, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।